ऊपर बैठो सर जल्दी। आनंद ऑर्डर हो गया है। हां ठीक है बस बैठा ना नहीं ये लेके जी हमारे नाम है। ओए 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 मजा आ गया। लें जी आज हम रात के टाइम मतलब मटर गश करते हुए पहुंचे हैं अंदरून मोची गेट वॉल सिटी और आज हमारा टारगेट है पंजाब टिक्का जिनकी रेशमी बुट्टी बड़ी ट्रेंडिंग किस्म की बुट्टी है बड़ी ही पोली पोली और डिफरेंट किस्म की ये एक यूनिक आइटम है अंदरून शहर की। हमने सोचा आज हम भी इसको ट्राई करें। सेल साहब साथ हैं और रफीक स्वीट्स चारों तरफ फैले हुए रफीक स्वीट्स और सेल साहब कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की असली रफीक स्वीट कौन सी है। सब पे लिखा हुआ है रफीक स्वीट लाल खू वाली। अब कुआं तो किसी के पास नज़र नहीं आ रहा। कुआं भी जिसे खूह कहते हैं पंजाबी में उर्दू में इसे कुआं कहते हैं। लेकिन खैर हमारा टारगेट तो पंजाब टिक्का है। मोची गेट काफ़ी मसरूफ किस्म का एरिया है। ये हम लोग रात को आए हैं और ये पंजाब टिक्का की शॉप है जहाँ पे बड़ा दर्द मोची बोटी बन रही है। ऑर्डर पैक हो रहे हैं और जा रहे हैं। चपात टिक्के भी हैं कबाब भी हैं कढ़ाई गोटी भी है कीमा भी है। लेकिन उनकी मशहूर चीज़ है उनकी रेशमी बोटी है। जो सफाई के नंबर हैं वो एवरेज हैं जिस तरह के दोनों शहर में होता है लेकिन ये कि नॉर्मली दुकानों से बेहतर है। साफ़ सुथरा सेटअप है थोड़ा तंग है तंग गलियों के अंदर है ये। लेकिन आप गाड़ी वगैरह ना लेके आइएगा आप बाइक पे जाएँ बड़े आसानी पहुँच सकते हैं। सेल साहब समझ रहे हैं कि हमने क्या खाना है और कौन सी चीज़ कैसे बनती है। सेल साहब के बिल्कुल बैक पे मोची जो है रेशमी बोटी बना रहा है पूरी स्पीड से। ये देखें आपके सामने फुल क्रीम डाली की इसके अंदर। ये दिल पड़े हैं गुर्दे पड़े हैं और कुछ उठाने वाली चीज़ें पड़ी हैं वो तो आप समझ गए होंगे। ये इनकी रेशमी रोटी का टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। अंदरून शहर में अभी तक पूरे लाहौर में इस किसी रेशमी रोटी को बंदा बना नहीं सका। बनती तो ये ब्रॉयलर मुर्गी के साथ ही है लेकिन ये कि टेस्ट काफ़ी डिफरेंट है। सेल साहब दुकान का जायज़ा ले रहे हैं क्या सूरत हाल है। ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और ये हमने हम एक रेशमी बोटी का शॉट बना लें छोटा सा। और ये जितनी रेशमी बोटी उन्होंने बनाई है और वीडियो में तो आपको तवा छोटा सा नज़र आएगा लेकिन ये तकरीबन समझ लेंगे 10 मिनट में ये तवा ख़त्म हो जाता है फिर ये दोबारा बनाते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट ऊपर है दो फ्लोर हैं फैमिली का फ्लोर लैदा है और हम जैसे छड़ों का फ्लोर लैदा है। ये कबाब भरे जा रहे हैं और रश की सूरत काफ़ी है। हम लोग वैसे वीकेंड्स के अलावा आए हैं वीकेंड्स पे तो यहाँ पे बिल्कुल बारी नहीं आती और काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। ये जी रेशमी बोटी को दम लग गया है और देखें कि सारा तेल जो है ना रेशमी बोटी का वो निकल आया। ये इनके फ्राइड नान के साथ मिलते हैं। बैठने की याद थोड़ी सी तंग है तो वीडियो बनाने का मौका भी इसी तरह नहीं मिलना लेकिन फिर भी हमने ये फ्रीजर पर रख के बना लिया और वैसे ओवरऑल साफ सुथरा। ये लोग को एक बाइट ट्राई करके बताते हैं बाद यहाँ आवाज़ कुछ सही नहीं आ रही थी गूंज रही थी बाद में फिर वीडियो के ऊपर वॉइस ओवर की। वैसे ये है कि मलाई बोटी का जो टेस्ट है ना बड़ा यूनिक और डिफरेंट है और नॉर्मली ब्रॉयलर की कढ़ाई के अलावा इस किस्म की वैरायटी हमने पहले से खाई कि ब्रॉयलर की इस किस्म की मलाई बोटी बन सकती है। हमारी तरफ से ये 10/10 है टेस्ट वाइज आप आएँ इसे मस्ट ट्राई करें और ये वीडियो आप दिखाएँगे पंजाब टिक्का के ऊपर आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा। अगली वीडियो में मुलाकात होती है दुआ में याद रखने का। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।